नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीव भी न्यूज़ में। दोस्तों, मोदी सरकार जुलाई महीने में कई सारे नियम लागू करने जा रही है। हम आपको अच्छी और बुरी खबर आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना भगाए हुए पूरा अंत तक देखें। और दोस्तों, आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं आज की अच्छी खबर की। दोस्तों, मोदी सरकार का नया प्लान है, गांव-गांव में जल्द शुरू होगी मुफ्त वाईफाई सेवा। जी हां दोस्तों, देश के गांव-गांव में सरकार पब्लिक वाईफाई सेंटर लगाने की काम कर रही है। यह गांव को एक साल तक की फ्री वाईफाई मिलेगा। देश में फैले 3.5 लाख कॉमर्स सर्विसेज सेक्टर को इसकी जिम्मेदारी दे दी गई। सरकार 10 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट लगाने की जिम्मेदारी दे दी है। आपको बता दें कि मौजूदा समय में देश में 3.5 लाख कॉमर्स सर्विसेज सेंटर हैं, जिसमें से सरकार 400 करोड़ रुपए का टेंडर निकाल रही है, जिसमें से भारत नेट सर्विसेज सेंटर में यह करार किया गया। आपको बता दें कि मोदी सरकार व्हाट्सएप की तरह खुद एक ऐप लॉन्च करने की तैयारी में है। दरअसल, अमेरिका ने अपने देश में चीनी कंपनी हुआवे की जासूसी के आरोप में बैन कर दिया था। आपको बता दें कि मोदी सरकार सरकारी एजेंसियों के बीच कम्युनिकेशन के लिए एक ऐप लॉन्च करना चाहती है, जिससे ईमेल और मैसेज की सुविधा आसान हो सके। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा प्लान तैयार है, बजट में हो सकता है बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, देश के कृषि संकट से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार एक खास योजना पर काम कर रही है। इसके लिए मोदी सरकार किसानों के उत्पादन एकत्र करने के लिए होम डिलीवरी स्टार्टअप को प्रोत्साहन देकर के 10,000 किसान उत्पादन संगठन बनाने और अन्य लोगों के साथ हाईवे पर नेशनल वेयर हाउसिंग नेटवर्क का निर्माण करना इसमें शामिल हो गया है। आपको बता दें कि इस प्लान में से कुछ ही घोषणा निर्मला सीतारमण 5 जुलाई को 2019 और 20 के बजट में पेश कर सकती है। इसके साथ ही किसानों द्वारा डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए एक मोबाइल ऐप आधारित सिस्टम बनाया जाएगा, जिसमें से मछली और एक्टिवेटिंग फॉर्म के लिए एक अलग फंड, कृषि आयोग के लिए वियोज स्टेज स्कीम और सोर फार्मिंग के लिए गांव की असिंचित जमीन का उपयोग करने के लिए इसमें विशेष योजनाएं शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि जीएसटी रिटर्न भरना कारोबारियों के लिए अक्टूबर से हो जाएगा बेहद आसान, सारी दिक्कतें हो जाएगी दूर। जी हाँ दोस्तों, नई प्रणाली को अमल में लाने के समय सीमा छोटे करदाताओं के लिए 1 जनवरी 2020 तक 5 करोड़ रुपए से अधिक कर लेने वाले बड़े कारोबारियों के लिए 1 अक्टूबर 2019 है। उन्होंने कहा है कि नई प्रणाली के तहत रिटर्न भरने के लिए नमूना सोमवार को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें से मोदी सरकार के संवाददाताओं ने कहा है कि नए फॉर्म सहज और सुगम को व्यापारियों के विभिन्न वर्ग के लिए विकसित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि 1 जुलाई को जीएसटी क्रियान्वयन के लिए 2 साल पूरे हो जाएंगे और इसमें आने वाले समय में मुख्य जोर प्रक्रिया को अधिक सरल बनाए जाने और अनुपालन और कर चोरी पर रोकने के तरीके अपनाए जाएंगे। जिसमें से मोदी सरकार जीएसटी 2 के बारे में बताया कि जब जीएसटी को डिजाइन किया गया था तो रिटर्न के लिए 3 फॉर्मेट थे, जिसमें से एक व्यापारी को महीने में 36 रिटर्न भरने होते हैं। इसके अलावा अन्य रिटर्न और अन्य डिपॉजिट रिपोर्ट भी उसमें शामिल की गई है। नई प्रणाली में सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी और महीने में सिर्फ 1 बार रिटर्न भरना होगा, जिसमें से बड़े कर्जदाताओं को साल में 12 रिटर्न भरना होगा, जबकि छोटे कर्जदाताओं के लिए सिर्फ साल में 4 बार ही रिटर्न भरना होगा। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि आ रहा है वीवो का नया स्मार्टफोन, इस दिन होगा लॉन्च, फीचर और बैटरी है जबरदस्त। जी हाँ दोस्तों, चीनी स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी वीवो आगामी 3 जुलाई 2019 को अपना नया स्मार्टफोन वीवो Z1 Pro पेश कर रही है। बहुप्रतीक्षित इस स्मार्टफोन के लिए कहा जा रहा है कि इसके फीचर्स स्पेसिफिकेशन शानदार होंगे। हालांकि इसकी कीमत को लेकर के अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी कीमत जो है वो 15,000 से 20,000 रुपए के बीच में हो सकती है। इसकी खरीदारी फ्लिपकार्ट और वीवो की वेबसाइट पर खरीदा जा सकता है। कंपनी ने नए स्मार्टफोन वीवो Z1 Pro की फ्लिपकार्ट पर लिस्टेड किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि रेलगाड़ियों में खानपान सेवा में बढ़ेगी पारदर्शिता, रेल मंत्री ने दे दिया है दिशा निर्देश। जी हाँ दोस्तों, पश्चिमी रेलवे और मध्य रेल के अधिकारियों की मीटिंग में रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेल यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए सारे कदम उठाने के निर्देश जारी कर दिए गए। इसी तरीके से रेलवे की ओर से अब रेलगाड़ियों में यात्रियों को दिए जाने वाले खाने के पैकेट में उस पर से जानकारी के लिए उसे QR कोड दिए जाएंगे। आपको बता दें कि रेलवे के बेस किचन की किस तरीके से खाना बन रहा है, इसकी सफाई भी रखी जाएगी। इसकी जानकारी जल्द ही रेल यात्रियों को भी मिल सकेगी। इसके लिए रेल मंत्री पीयूष गोयल की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। रेल दृष्टि ऐप के जरिए यात्रियों को यह सुविधा मिलेगी। आपको बता दें कि रेल यात्रा के दौरान यदि कोई वेंडर आपको खाना लेने पर उसका बिल नहीं देता है तो आप तुरंत उसकी शिकायत कर सकते हैं। बिल न देने पर
पर आपको रेलवे की ओर से मुफ्त खाना उपलब्ध कराया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्री पीयूष गोयल की ओर से इस निर्देश को सख्ती से लागू किए जाने के निर्देश भी जारी किए गए हैं और वहीं वेंडरों को प्वाइंट ऑफ सेल मशीन रखने की भी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि जल संकट दूर करने के लिए बजट में हो सकता है खास ऐलान। जी हाँ दोस्तों, कमजोर मानसून की वजह से देश में बढ़ते जल संकट का असर बढ़ता दिखाई दे रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट में घर घर तक पानी पहुँचाने और जल संचय के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। जल संकट दूर करने के लिए बजट में खास ऐलान हो सकता है। निरंजना योजना के तहत फंड का आवंटन बढ़ाए जाने की संभावना है। वहीं हर घर हर जल योजना के लिए भी रकम बढ़ाई जा सकती है। सरकार का 2024 तक हर घर में पानी की सप्लाई मुहैया कराने का जोर है। आपको बता दें कि नीति आयोग के देश में जल संकट पर ऐसी रिपोर्ट जारी की है जो पूरे देश में के लिए खतरे की अलार्म बज गई है। आपको बता दें कि 2030 तक देश की 40% आबादी के पास पीने का पानी नहीं होगा। इसमें से दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद समेत देश के 21 शहर इसमें शामिल है। यह जल संकट देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकता है। इसकी वजह से GDP को 6% का नुकसान हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि बजट पर चर्चा इस तारीख को हो सकती है शुरू। जाने अनुदान मांगों पर मतदान कब होगा? जी हाँ दोस्तों, संसद आम बजट पर 8 जुलाई को चर्चा शुरू हो सकती है जिसमें से अनुदान मांगों पर मतदान 11 से 17 जुलाई के बीच हो सकता है। नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट 5 जुलाई को पेश कर सकती है जिसमें से वित्त मंत्रालय के बजट डिवीजन की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है और चर्चा और 2019 और 20 के अनुदान मांगों पर मतदान 11 से 17 जुलाई के बीच हो सकती है जिसमें से आम बजट 8 जुलाई को हो सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के सामने एक कठिन चुनौती हो सकती है जिसमें से एशिया के सबसे तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था को और मजबूती देना होगा। मई में भारत दुनिया की सबसे तेजी से के साथ विकसित करने वाला अर्थव्यवस्था का अपना स्थान खो बैठा है। यद्यपि सरकार का कहना है कि वह अभी भी सबसे तेजी से वृद्धि करने के लिए अर्थव्यवस्था वो है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि भारतीय रेलवे की इस ट्रेन का 1 जुलाई से बदल जाएगा शेड्यूल। इस स्टेशन पर चलेगी ट्रेनें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रेल यात्रियों की मांग को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने रेल यात्रियों की सुविधाओं के लिए गाड़ी संख्या 54391 और 54392 अलीगढ़ मुरादाबाद अलीगढ़ पैसेंजर रेलगाड़ी को दिनांक 1 जुलाई से गजरौल तक चलाने का निर्णय किया है। इसके साथ बड़ी संख्या में लोकल यात्रियों को राहत मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि दोस्तों पेट्रोल डीजल के ताजा भाव क्या रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार चौथा दिन उछाल आ गया और आज जाने आज का भाव क्या है। जी हाँ दोस्तों, बात करें पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के पिछले दिनों कच्चे तेल में आई तेजी के बाद से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम फिर से रोजाना वृद्धि होने लगी है। तेल कंपनियों के लगातार चौथे दिन यानी बात करें तो तेल के दाम में वृद्धि दर्ज की गई है जिसमें से बात दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल फिर 9 पैसे लीटर महंगा गया और डीजल के भाव में दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में 8 पैसे जबकि चेन्नई में 9 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि सोने चांदी के ताजा भाव क्या रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, 4 सप्ताह के बाद फीकी पड़ी सोने की चमक। हफ्ते भर में 100 रुपए फिर गिरी कीमत। जी हाँ दोस्तों, लगातार 4 सप्ताह में तेजी के बाद स्थानीय मांग उतरने के दिल्ली सर्राफा बाजार में बीते सप्ताह सोने की चमक पूरी तरीके से फीकी पड़ गई है और यह 100 रुपए की साप्ताहिक गिरावट के साथ 34,270 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए हैं। जबकि बात करें चांदी की तो 170 रुपए टूट करके सप्ताहांक पर 38,830 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रहा है। अब बात करें कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में गत सप्ताह दोनों कीमतें धातुओं पर तेजी रही है लेकिन लंदन और न्यूयॉर्क में मिली जानकारी के मुताबिक बीते सप्ताह सोना हाजिर $10.50 की बढ़त के साथ 1409.25 डॉलर प्रति औस पर पहुंच चुका है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर आपको बता दें कि पूरे भारत में आज का मौसम अपडेट क्या रहेगा। जी हाँ दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में उत्तर भागों और पश्चिमी भागों के तटीय भागों के सटे इलाकों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। यह सिस्टम अगले 48 घंटों में तीव्र होने के साथ ही पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ सकता है। बात करें वहीं जम्मू और कश्मीर से सटे उत्तरी पाकिस्तान के इलाकों में होते हुए पश्चिमी विक्षोभ तक गुजर जाएगा जिसमें से पंजाब के हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड और गंगी पश्चिम में होते हुए बंगाल की खाड़ी में उत्तरी भागों में एक ट्रफ फैल जाएगा जिसके कारण एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र असम और इसके सटे इलाकों में बना हुआ है। बात करें कि 24 घंटे के दौरान कोंकण के तटीय इलाकों, उत्तरी तटीय कर्नाटक और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र के भागों में भारी बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। दक्षिणी मध्य प्रदेश और मध्य पूर्वी राजस्थान और उत्तरी उड़ीसा के भागों में भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। वहीं बात करें जम्मू कश्मीर, पूर्वी उत्तर प्रदेश
प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दक्षिण उड़ीसा, उत्तरी केरल और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं बात करें बिहार, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना बताई जा रही है। जबकि बात करें राजस्थान, दिल्ली और दक्षिण भारत में तो एक से दो दिनों के बीच अभी लू चल सकता है। मौसम की बारिश होने की कोई अभी तक आसार नहीं बताए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि महंगा हो सकता है रसोई गैस सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, हर महीने की तरह 1 जुलाई से रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें जारी होगी, जिसमें से पहले 1 जुलाई को रसोई गैस की कीमतें की बढ़ोतरी की जा रही है। आपको बता दें कि इस सेविंग अकाउंट के नियम बदल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अकाउंट के मामले में नियमों को आसान कर दिया गया है। ऐसे में खाताधारकों को चेकबुक और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी। हालांकि बैंक इस सुविधा के लिए खाताधारकों को नई न्यूनतम राशि रखने के लिए नहीं कह सकते हैं। ये नए नियम 1 जुलाई से लागू हो जाएंगे। आपको बता दें कि प्राथमिक बचत बैंक जमा खाता के आशय ऐसे होते हैं कि जिसे शून्य राशि से खोला गया है, इसमें से कोई न्यूनतम राशि रखने की जरूरत नहीं होती है। इसमें से पहले नियम बचत खाते जैसे खातों को ही अतिरिक्त सुविधा मिलती है। अतः हम कह सकते हैं कि खातों में न्यूनतम राशि रखने की जो जरूरत है वह अन्य शुल्क भी आपको देना पड़ेगा।